वेलकम टू एसे राइटिंग इंग्लिश एसे इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी। दिस एसे इज फॉर क्लास 12 एसे एंड होल्ड फास्ट द रोप ऑफ अल्लाह एंड नॉट बी डिवाइडेड द होली कुरान। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तकसीम में ना पड़ो। द वर्ड यूनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूनिट विच मीन्स वन। इतिहाद का लफज अकाई से माखूज है जिसके मानी एक हैं। सिंपली वी कैन कॉल अ नेशन यूनाइटेड व्हेन ऑल द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन हैव सेम बिलीव्स आइडियाज एंड थॉट्स एंड दे वर्क टुगेदर विद पीस एंड हार्मनी। हम किसी कौम को मुतहिद कह सकते हैं जब उस खास कौम के तमाम लोगों के अकायद नजरियात और ख्यालात एक जैसे हों और वो अमनो हम आहंगी के साथ मिलकर काम करें। वी ऑल नो दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम सब जानते हैं कि इत्तेहाद ही ताकत है। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेशन। ये एक मजबूत कौम का एक लाजमी हिस्सा है। ग्रेट थिंग्स कैन बी अचीव्ड इफ देयर इज यूनिटी अमंग द पीपल। अगर लोगों में इत्तेहाद हो तो बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं। Where there is unity, there is always victory. जहाँ इत्तेहाद होता है वहाँ हमेशा फतह होती है। Islam is a religion of peace, unity, brotherhood, justice, truth and purity. Islam अमन इत्तेहाद भाईचारा इंसाफ सच्चाई और पाकीज़गी का दीन है। Being a religion of peace and unity, it has come to unite the world. अमन और इत्तेहाद का मजहब होने के नाते ये दुनिया को मुतहिद करने के लिए आया है। इस्लाम इज हेयर टू रिमूव द एवल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। इस्लाम इस्तेहसाल जुल्म और नाइंसाफी की बुराइयों को दूर करने के लिए यहाँ मौजूद है। इन पास्ट मुस्लिम्स अचीव्ड ग्लोरी एंड सक्सेस विद डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी एंड हिज लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। माजी में मुसलमानों ने अल्लाह ताला और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर गहरे यकीन के साथ अजमत और कामयाबी हासिल की। द अर्ली मुस्लिम्स स्प्रेड इस्लाम विद लव एंड ह्यूमैनिटी। इब्तदाई मुसलमानों ने मोहब्बत और इंसानियत के साथ इस्लाम फैलाया। दे बिकेम द रूलर्स द गाइड्स एंड द लीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिटी। The whole of humanity admitted and admired their greatness and glory. पूरी इंसानियत ने उनकी अजमत और शान शौकत का एतराफ किया और तारीफ की। Individually we are a drop, but together we are an ocean. इनफरादी तौर पर हम एक कतरा हैं, लेकिन एक साथ मिलकर हम एक समंदर हैं। It is very sorrowful to admit that the Muslims Ummah is totally disunited these days. Muslims lack in unity, discipline and harmony among them. मुसलमानों में इत्तेहाद नज़्म व ज़ब्त और हम आहंगी का फुकदान है। They are going away from Islam. वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। No doubt, Muslim Ummah has rich resources. इसमें कोई शक नहीं कि उम्मत-ए-मुस्लिमा के पास बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं। But in spite of these resources, they are lacking behind in every walk of life. लेकिन इन वसाइल के बावजूद वो जिंदगी के हर शोबे में पीछे हैं। They seem totally helpless. वो बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। Other nations are very advanced than them in every field of life. दूसरी कौमें जिंदगी के हर शोबे में उनसे बहुत तरक्की याफ्ता हैं। Muslims are watching Israeli and Indians atrocities on the Muslims as silent spectators. Musalman khamosh tamashai bankar musalmanon par Israeli aur Bharati mazalim dekh rahe hain. There is no one to say a word about them. Unke bare mein ek lafz kehne wala koi nahi hai. It is due to disunity among Muslims aur inki ek wajah musalmanon mein tafreeq hai. Disunity is like unsettled dust in wind. तफरीक हवा में बेचैन धूल की तरह है। There are few reasons for disunity of Muslims. मुसलमानों में तफरीक की कुछ वजूहात हैं। The one of the major reason of disunity is that we have gone away from our religion.
तफरीक की एक बड़ी वजह यह है कि हम अपने मजहब से दूर हो चुके हैं। वी आर नॉट कम्प्लीटली एक्टिंग ऑन द सेइंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड द होली प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम। हम अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे हैं। वी आर क्वरलिंग विद ईच अदर, हम एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज ड्रेस एंड कल्चर हैव मेड अस फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जुबान लिबास और सकाफत के फ़र्क ने हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। वी आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। वी डू नॉट केयर एनी वन, हम किसी की भी परवाह नहीं करते। वी डू नॉट केयर अबाउट अदर मुस्लिम्स इन आवर सोसाइटी, हम अपने मुआशरे में दूसरे मुसलमानों की फिक्र नहीं करते। वी जस्ट वॉन्ट टू मेक आवर लाइफ कम्फर्टेबल, हम सिर्फ अपनी ही जिंदगी को सुकूनदेह बनाना चाहते हैं। A family does not need to be perfect, it just needs to be united. एक खानदान को मुकम्मल होने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ मुत्तहिद होने की जरूरत है। Unity of the Muslims Ummah is very important to maintain their freedom, progress and stability in the world. दुनिया में अपनी आज़ादी, तरक्की और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए उम्मत-ए-मुस्लिमा का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। Muslims unity is mandatory to regain their past glory and prestige. मुसलमानों का इत्तेहाद लाजिम है कि वो अपने माजी के वकार को हासिल करें। We should think beyond the differences of language, dress and culture. हमें जुबान लिबास और सकाफत के फर्क से बालातर होकर सोचना चाहिए। We should think for the welfare of whole Muslim society. हमें पूरे मुस्लिम माशरे की फलाह बहबूद के लिए सोचना चाहिए। विद यूनिटी एंड लव मुस्लिम्स विल नॉट ओनली बिकम अ ग्रेट नेशन बट आल्सो रिमूव इनजस्टिस इग्नोरेंस क्रुएलिटी एंड डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ मुसलमान न सिर्फ एक अजीम कौम बन जाएंगे बल्कि दुनिया से नाइंसाफी जहालत जुल्म और तारीकी को भी ख़त्म कर देंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इतफाक में बरकत है। When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. जब टीमवर्क और तावन होता है तो हैरत अंगेज चीज़ें हासिल की जा सकती हैं।